बीएससी पार्ट थ्री के सभी विद्यार्थियों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, कल हमने पेट्रोमाइजोन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पढ़ा था और उसके हैबिट्स एंड हैबिटेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं पेट्रोमाइजोन की लाइफ साइकिल, मींस पेट्रोमाइजोन कैसे अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाती है, क्या उसकी लाइफ साइकिल है, कैसे वो रिप्रोडक्शन करती है। हम ये पहले ही देख चुके हैं कि पेट्रोमाइजोन का जो आवास है वो समुद्री आवास में रहती है, समुद्र के पानी में वो पाई जाती है। लेकिन जब उसे रिप्रोडक्शन करना होता है तो वो फ्रेश वाटर हैबिटेट में माइग्रेट करती है, और हम जानते हैं कि फ्रेश वाटर हैबिटेट जो है वो नदी, तालाब आदि होते हैं। तो रिप्रोडक्शन के लिए पेट्रोमाइजोन समुद्र से नदी की ओर माइग्रेट करती है, और वहाँ पर माइग्रेशन करके जो मेल और फीमेल पेट्रोमाइजोन हैं वो नेस्ट बनाते हैं ताकि जो उनका लार्वा है वो उस नेस्ट में बड़ा हो सके, उसमें वो रिप्रोडक्शन कर सकें। पेट्रोमाइजोन में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मींस आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन इनमें होता है। मेल स्पर्म और फीमेल के जो ओवा हैं उनमें पानी में फर्टिलाइजेशन होता है, और फिर उनसे लार्वा का विकास होता है। एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है यह वो हम देखें, रिप्रोडक्शन के बाद जो मेल फीमेल एनिमल है वो मर जाते हैं, वो लाइफ में केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं और उसके पश्चात वो मर जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है, वो क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जब उन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है तो वे फीडिंग करना बंद कर देते हैं, और उनकी जो सारी एनर्जी है वो अपनी टोटल एनर्जी को रिप्रोडक्शन में ही स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो चूँकि वो फीडिंग करना बंद कर देते हैं तो आफ्टर रिप्रोडक्शन उनकी जो एलिमेंट्री केनाल है वो डिटेरियरेट होने लग जाती है, नष्ट होने लग जाती है, और इस तरह से उनकी डेथ हो जाती है। हैचिंग के बाद, हैचिंग का मतलब होता है अंडों से एनिमल का बाहर निकलना, यंग जो एनिमल है उसका बाहर निकलना। तो पेट्रोमाइजोन का जो लार्वा है वो हैचिंग के बाद उस लार्वा को हम एमोसीट लार्वा कहते हैं, एमोसीट लार्वा बाहर निकलता है। अब हम पढ़ते हैं ये जो एमोसीट लार्वा है उसके क्या इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं, और ये आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, शॉर्ट नोट्स में आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो एमोसीट लार्वा की जो लाइफ है वो लगभग 4-5 साल तक होती है, 3 से 5 साल हम कह सकते हैं इसकी लाइफ। और ये जो लार्वा होता है स्टार्टिंग में 7 मिलीमीटर इसकी लंबाई होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, और ग्रो करने के बाद ये नियर अबाउट 7 मिलीमीटर लंबा ये हो जाता है, और ईल लाइक स्ट्रक्चर इसका हो जाता है, जो हमने पेट्रोमाइजोन का भी पढ़ा था कि उसका स्ट्रक्चर स्नैक लाइक होता है। हम यहाँ डायग्राम देखते हैं एमोसीट लार्वा का। एमोसीट लार्वा में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एडल्ट पेट्रोमाइजोन में एब्सेंट होते हैं, मींस इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं लार्वल स्ट्रक्चर्स वो इसमें मेटामॉर्फोसिस होने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं।
एक्चुअली इसका जो लार्वा है वो पेट्रोमाइजोन की तरह है, दिखाई नहीं देता। तो अर्लियर तो यही माना जाता था कि ये कोई अलग एनिमल है, लेकिन बाद में पता चला रिसर्च से कि ये जो एनिमल है वो पेट्रोमाइजोन का ही लार्वा है। क्योंकि क्या है, लार्वा लार्वा और जो एडल्ट एनिमल है दोनों का हैबिटेट भी अलग अलग है, इस वजह से भी ये माना जाता था। तो इसके जो लार्वल करेक्टर्स हैं वो एडल्ट में जब ये परिवर्तित होता है, चेंज होता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसा हमने पहले हर्डमानिया में भी देखा था कि हर्डमानिया का जो मेटामॉर्फोसिस है उससे हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस पढ़े थे। और इसके स्ट्रक्चर में हम देखते हैं, ये लार्वा में मीडियन नॉस्ट्रिल है, इसकी जो आई है, लार्वा की आई है ये रूडिमेंट्री आई है। रूडिमेंट्री मीन्स जो जिसका पूर्णतः डेवलपमेंट नहीं हो रखा हो, इनकम्प्लीट इसका डेवलपमेंट है। ये इसका अपर लिप, ऑरल हुड है, स्टोमोडियम दैट इज़ माउथ, ये लोअर लिप, गिल स्लिट्स। ये गिल स्लिट्स हमें लार्वल स्ट्रक्चर में भी 7 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि इसका जो ये माउथ है उसमें बकल फनल एब्सेंट होता है, जबकि एडल्ट एनिमल में बकल फनल प्रेजेंट होता है। ये देखें, यहाँ पर ट्रंक है, एनस है, टेल, और ये डोर्सल फिन एंड कॉडल फिन। अब यहाँ हम देखते हैं कि एडल्ट एनिमल है पेट्रोमाइजोन, उसके डोर्सल फिन में और जो लार्वा है एमोसिट लार्वा उसके डोर्सल फिन में हमें क्या डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो यहाँ हमें एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि एडल्ट पेट्रोमाइजोन का जो डोर्सल फिन है वो दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, दैट इज़ फर्स्ट डोर्सल फिन एंड सेकंड डोर्सल फिन। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जो लार्वा है उसका डोर्सल फिन है वो कंटिन्यूअस रहता है, मींस वो फर्स्ट डोर्सल फिन एंड सेकंड डोर्सल फिन, या हम यूँ कह सकते हैं कि जो डोर्सल फिन है वो सिंगल डोर्सल फिन है। लेकिन जब ये एडल्ट में चेंज होता है तो इसमें जो डोर्सल फिन है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, और इसका जो डोर्सल फिन है वो कॉडल फिन के कंटिन्यू रहता है। दैट इज़ हियर, ये डोर्सल फिन और ये कॉडल फिन के कंटिन्यू में ही ये प्रेजेंट है। ये है इसकी टेल। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो लार्वा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे इसकी वीलम है, एंडोस्टाइल है, ये हमने उसमें पढ़े थे एम्फियो ब्रैंकियोस्टोमा में पढ़े थे, एम्फियोक्सिस में पढ़े थे, तो उसमें ये सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो एमोसिट लार्वा है वो ब्रेंकियोस्टोमा से या फिर एम्फियोक्सिस से सिमिलैरिटी रखता है। ये है एमोसिट लार्वा का इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम ये यहाँ देख सकते हैं, इसकी ये एंडोस्टाइल है, ये फेरिंग्स है जो हमें ब्रेंकियोस्टोमा की फेरिंग्स की तरह है दिखाई दे रही है। ये एंडोस्टाइल है, वीलम है, वीलम वेल डेवलप्ड होती है एम्फियोक्सिस में, हमने पहले पढ़ा था। तो इसका जो लार्वल करेक्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं हमें ब्रेंकियोस्टोमा से सिमिलैरिटी रखते हुए दिखाई देते हैं। इधर हम इसके स्ट्रक्चर में देखें तो ये यहाँ पर ये डोर्सल फिन है जो कॉडल फिन के कंटिन्यू रहता है। ये डोर्सल फिन है जो अभी कंप्लीट डेवलपमेंट इसका नहीं हो रखा है। ये नोटोकॉर्ड है, नर्व कॉर्ड है, एनस है, और सारे इसके ये स्ट्रक्चर्स हैं। अब हम देखते हैं कि एमोसिट लार्वा का जो मेटामॉर्फोसिस होता है उस दौरान लार्वल जो करेक्टर्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये है कि बहुत सारे जो लार्वल करेक्टर्स हैं वो ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस वो नष्ट हो जाते हैं, और इसकी जो एंडोस्टाइल है वो थायराइड ग्लैंड में परिवर्तित हो जाती है। हमने पहले भी पढ़ा था हर्डमानिया में भी,
कि जो एंडोस्टाइल है वो वर्टिब्रेट्स के थायराइड ग्लैंड के होमोलोगस प्रेजेंट होती है। दूसरा इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो अभी मैंने आपको बताया कि लार्वा का जो माउथ है, मोसिट लार्वा का जो माउथ है वो लार्वा में बकल फनल एब्सेंट होती है, लेकिन जब ये एडल्ट में परिवर्तित होता है तो इसका जो माउथ है वो बकल फनल से घिर जाता है। और बकल फनल का हमने कल स्टडी किया था, उसमें बहुत सारे टीथ प्रेजेंट होते हैं, टंग प्रेजेंट होती है, और टंग पर भी उसमें टीथ प्रेजेंट होते हैं जो होस्ट से उसको फीड करने में मदद करते हैं, होस्ट से चिपकने में भी मदद करते हैं। दूसरा है कि इसका इसकी जो पेयर्ड आईज़ हैं वो फंक्शनल हो जाती हैं। अभी हमने देखा इसके स्ट्रक्चर में जो लार्वा है इसमें ये जो आईज़ हैं वो रूडिमेंट्री है, मींस कंप्लीट इनका डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है और ये फंक्शनल हो जाती हैं, फंक्शन करने लग जाती हैं। नेक्स्ट हम देखें कि इसका जो डॉर्सल फिन है वो दो भागों में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम एडल्ट स्ट्रक्चर में हम फर्स्ट डॉर्सल फिन एंड सेकंड डॉर्सल फिन हम कहते हैं। इसकी जो विलम है वो भी रिड्यूस्ड हो जाती है और वो केवल जो इसकी रेस्पिरेटरी ट्यूब है उसकी ओपनिंग की तरह ही कार्य करती है, जबकि विलम प्रोटोकोर्डेट्स में वेल डेवलप्ड होती है। गॉल ब्लैडर भी इसका डिसअपियर हो जाता है। इसकी स्किन का कलर भी चेंज होता है, फ्रॉम येलो ब्राउन टू एडल्ट टेक्सचर का हो जाता है, और एडल्ट का हमने देखा था डार्क येलो ब्राउन कलर अपर साइड में और लोअर साइड में लाइट कलर की ये होती है पेट्रोमाइजोन फिश। तो इस तरह से ये सारे चेंजेस होने के बाद जो लार्वा है वो फिर से रिवर से सी की ओर माइग्रेट करने लगता है। जो एडल्ट पेट्रोमाइजोन चूँकि वो सी में पाई जाती है, समुद्र में पाई जाती है, केवल वो रिप्रोडक्शन करने के लिए रिवर की ओर माइग्रेट करती है, वहाँ पर लार्वा का डेवलपमेंट होता है, और वो जब एडल्ट में चेंज हो जाता है, एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, उसके बाद वो फिर से समुद्र की ओर माइग्रेट करता है और अपना फीड करता है, और उसके बाद अपनी लाइफ के में जब उसको रिप्रोडक्शन के लिए फिर से उसको समुद्र से रिवर की ओर माइग्रेट करना होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि अमोसिट लार्वा है वो कहीं ना कहीं प्रोटोकोर्डेट्स से सिमिलरिटी रखता है, जबकि जो एडल्ट पेट्रोमाइजोन है वो लार्वा से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, लार्वल जो करेक्टर्स हैं वो एडल्ट पेट्रोमाइजोन में नहीं पाए जाते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो छोटा सा टॉपिक है अमोसिट लार्वा एंड पेट्रोमाइजोन, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और आप इसकी स्टडी करें और दोनों के डायग्राम आप रफ वर्क में बना के देखें, अदरवाइज आपको ये लर्न नहीं होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।